नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन यानी आज करीब 400 वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। यह पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है, जिसके कारण तीन बड़े योग बन रहे हैं, धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। इन योगों के कारण इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन यदि आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस पूर्णिमा को लगभग 24 पूर्णिमा में से एक माना जाता है और 27 नवंबर को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति से। इसलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी हर महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक आयोजनों में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्तिक का प्रयोग करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, किंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से घर में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में चार तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी चार भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि चार दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये चार भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको चार वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्वेद और सामवेद। स्वास्तिक की चार रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चार सिरों को दर्शाती है और चार पुरुषार्थ यानी चार आश्रम, चार लोग, चार देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की चार रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की में चलने का चिन्ह है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, किंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं।
और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो पूर्णिमा के दिन तांबे या स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, किंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता, ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान पूर्णिमा पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पूर्णिमा पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें अवश्य अर्पित की और पश्चात में की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, पूर्णिमा पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं।
आप जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, दो चार बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं, ऐसा करने से सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्य में सिद्ध अवश्य हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाए। पूजा के पश्चात आरती अवश्य करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। किंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें, अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें, इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं, इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए, साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में आज देवोत्थान पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं, साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।